नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की और अधिमान वक्र विश्लेषण की। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बहुत कंसंट्रेशन से देखिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करूँ उसके पहले थोड़ी सी बात मैं यूटिलिटी की आपसे करना चाहता हूँ। प्रत्येक वस्तु में आपको संतुष्ट करने की क्षमता होती है और उस संतुष्ट करने की क्षमता को यूटिलिटी कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। आप बोलते हैं हम पानी पीते हैं और पानी से मुझे उपयोगिता मिलती है, खाना खाते हैं खाना से उपयोगिता मिलती है। तो जो ये उपयोगिता है क्या वो मिजरेबल है? ये इकोनॉमिक्स में डिबेट है कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है या फिर नहीं मापा जा सकता है। इसमें दो तरह के विचारधाराएं हैं यूटिलिटी के मेजरमेंट को लेके। एक है कार्डिनल अप्रोच, जिसको हम कहते हैं गणना वाचक विधि, हिंदी वाले नोट कर लीजिए गणना वाचक विधि, और दूसरा है आर्डिनल अप्रोच, जिसको हम कहते हैं क्रमवाचक विधि। जो कार्डिनल अप्रोच है इसमें बेसिकली मार्शल आते हैं, इनका मानना है कि जो यूटिलिटी है उपयोगिता है उसको हम संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिक रूप से क्वांटिटेटिव रूप से माप सकते हैं। हम माप सकते हैं कि हमको एप्पल खाने से कितनी यूटिलिटी मिलती है, हम माप सकते हैं कि हमको ब्रेड खाने से कितनी यूटिलिटी मिल सकती है, मतलब संख्यात्मक माप संभव है और इसे हम उसी तरह से मेजर कर सकते हैं जैसे हाइट वेट कितना होता है, क्वांटिटेटिव रूप से मेजरमेंट हो पाएगा। दूसरी तरफ से जो हिक्स है, एलन है, सैमुएलसन है, उनका मापता है कि उपयोगिता जो है कभी भी क्वांटिटेटिव रूप से मापी नहीं जा सकती है, सिर्फ हम बता सकते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ये बता सकते हैं कि ये एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी से ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, लेकिन चेक कितनी ज्यादा ये नहीं बता सकते। लाइक एग्जांपल, आर्डिनल के जो मानने वाले विचारधारा के इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं कि बीएमडब्ल्यू जो है टोयोटा से अच्छी है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि BMW टोयोटा से कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। तो यहां पे सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है। इसीलिए आप देखोगे कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो एक रिलेटिव अप्रोच है, सापेक्ष विधि है और ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। लेकिन जो आर्डिनल के अलावा कार्डिनल की बात करते हैं उनका मानना है कि ये एक एब्सोल्यूट मेथड है, मतलब उपयोगिता को एग्जैक्टली नंबर से मापा जा सकता है और इसे हम यूटिल्स में मापते हैं। देखिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो कार्डिनल अप्रोच के लोग हैं वो किस में मापते हैं उपयोगिता को, तो इनकी जो यूनिट है, इकाई है, वो है यूटिल्स, और ये एक एब्सोल्यूट मेथड है और एक क्वालिटेटिव मेथड है। दोस्तों, जो यूटिल्स है जिससे हम उपयोगिता को मेजर करें, जो इसकी यूनिट है, वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। लाइक एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि मुझे चाय पीने से 5 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है, तो चाय की पीने की जो उपयोगिता है वो गर्मी में कम और जाड़े में ज्यादा होती है। तो आप देखोगे जो यूटिल्स है वो क्या चेंज होगा कि आप बताएंगे कि गर्मी में ज्यादा जाड़े में कम, इस तरह से यूटिलिटी। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि आप यूटिलिटी को मनी में मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो चाय पीने से हमको 4 यूटिल्स मिले, मतलब 4 रुपये की बराबर की उपयोगिता मिली। तो कुछ लोगों का मानना है, जो कि मानते हैं कि कार्डिनल अप्रोच से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, उसे मनी में मेजर किया जा सकता है। तो मार्शल ऐसे इकोनॉमिस्ट है जो कहते हैं उपयोगिता को हम मुद्रा में माप सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था कि यूटिलिटी को मेजरमेंट करें कैसे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, तो यहां पे यही चीज यहां से शुरू होता है। हिक्स और एलन ने 1934 में जो कार्डिनल अप्रोच है उसके आधार पे इंडिफरेंस कर्व को विकसित किया है। हिक्स और एलन ने 1934 पे जो इंडिफरेंस कर्व दिया, 1934 में जो इंडिफरेंस कर्व को डेवलप किया वो इसी आर्डिनल अप्रोच पे किया, मतलब उन्होंने ये माना कि जो उपयोगिता है उसको क्रम से हम दे सकते हैं, उसका आर्डर बता सकते हैं कि ये दूसरे से बेटर है, दूसरा तीसरे से बेटर है, लेकिन हम एग्जैक्ट उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को शुरू करें उसके पहले जो बेसिक अजम्पशंस है उसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा प्रश्न बेसिक अजम्पशंस पे ही होते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जो अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 अजम्पशंस की, जो आपका कंज्यूमर है वो एक रेशनल है, वो क्या है, एक बौद्धिक है, और हर जगह ये माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो एनालिसिस होगा। पूरे इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही आसान, और आपको कोई अगर नहीं समझ में आ रहा होगा एजम्पशन याद है तो इसको लिख लो कि रेशनल है, जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। दूसरा, कंज्यूमर जो है वो जो यूटिलिटी है कंज्यूमर की वो आर्डिनल अप्रोच है, उसका आर्डर दिया जा सकता है, कार्डिनल नहीं, मतलब आर्डिनल अप्रोच है,
उसका मेजरमेंट जो होगा यूटिलिटी का वो ऑर्डिनल तरीके से होगा, हम उसका क्रम दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये पहले से अच्छा है, दूसरा तीसरे से अच्छा है, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। तीसरा, जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है वो उसके कंजम्पशन ऑफ गुड के बास्केट पे निर्भर करेगा। अगर बास्केट बड़ी हो गई मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ा दे तो उसकी उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर वो कम वस्तुओं का उपयोग करेगा तो उसकी यूटिलिटी कम, और वो ज्यादा वस्तुओं का उपयोग करेगा तो उसकी उपयोगिता ज्यादा हो जाएगी। तीसरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरा एजम्पशन है जो बहुत पूछा जाता है कि जो वस्तुओं का क्रम है, कॉम्बिनेशन है, उसमें वीक ऑर्डरिंग के ऊपर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आधारित है। देखिए, जब हम वस्तुओं का क्रम देखते हैं, कॉम्बिनेशंस का जो है, जब आप क्रम देखोगे, ऑर्डर देखोगे, तो दो तरह के आपको ऑर्डर मिलते हैं। एक होता है वीक ऑर्डर, वीक ऑर्डरिंग जिसको बोलते हैं हम, वीक ऑर्डरिंग मतलब निर्बल क्रमबद्धता, और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रांग ऑर्डरिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार इस पर प्रश्न पूछा है, स्ट्रांग ऑर्डरिंग मतलब निर्बल क्रमबद्धता हिंदी वाले लिख लीजिए, और यह है सबल क्रमबद्धता। जो इंडिफरेंस कर्व हमारा एनालिसिस है, ये वीक ऑर्डरिंग पे आधारित है, इसी के ऊपर आधारित है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जबकि स्ट्रांग ऑर्डर पे जो सेमुलसन का रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वो आधारित है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी स्ट्रांग ऑर्डरिंग के ऊपर, ये आधारित है। देखिए दोनों में फर्क क्या है। वीक ऑर्डरिंग में ये माना जाता है कि अगर आपके पास दो कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए कि वस्तुओं का एक कॉम्बिनेशन ए है और दूसरा कॉम्बिनेशन बी है, तो ऐसा पॉसिबल है कि ए कॉम्बिनेशन से प्राप्त यूटिलिटी बी के प्राप्त यूटिलिटी के बराबर हो, अर्थात ए और बी एक ही बराबर के उपयोगिता के हो सकते हैं। इस तरीके से हम वस्तुओं को अरेंज कर सकते हैं। स्ट्रांग ऑर्डरिंग में क्या होगा, जो ए कॉम्बिनेशन है, वो बी कॉम्बिनेशन से या तो बिट ज्यादा बड़ा होगा या उससे कम होगा, लेकिन ये बराबर के नहीं होंगे। मतलब यहां चुनाव करने में इंडिफरेंस हो सकता है उपभोक्ता में, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर उपयोगिता वाले हैं। आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, चार केला है और तीन सेब है, और दूसरी जगह जो है क्या है, अमरूद है पांच और जो है चार जो है संतरे, और आप कहते हैं कि इसकी उपयोगिता इसके हमारे लिए बराबर है, तो हम ये ले लें या फिर ये, मतलब आप उसमें क्या है, तटस्थ है, दो आपके कॉम्बिनेशन को एक ही स्थान प्राप्त है। लेकिन यहां पे आप देखोगे ये या तो बी से बेटर होगा या फिर बी से जो है वर्स होगा, लेकिन ये दोनों को एक ही स्थान प्राप्त नहीं होगा। तो वीक ऑर्डरिंग में आप देखोगे जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वीक ऑर्डरिंग के ऊपर आधारित है, और जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है सेमुलसन का वो स्ट्रांग ऑर्डरिंग पे, नोट करके लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फिर इसकी लास्ट एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस की अगर मैं बात करूं, तो वो एजम्पशंस दोस्तों ये है, वो एजम्पशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व में आप देखेंगे दो चीजें पाई जाती है, ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। ट्रांजिटिविटी मतलब होता है सकर्मकता, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता। इसको आइए हम समझ लेते हैं, दो मान्यताएं क्या है, एक है ट्रांजिटिविटी और दूसरा है आपकी कंसिस्टेंसी। हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मकता और इसको कहते हैं स्थिरता। ये जरा समझिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ट्रांजिटिविटी क्या होती है, जैसे मान लो कि a बराबर b और b बराबर c, तो पक्का है कि a बराबर c होगा, a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो a b के बराबर और b के c के बराबर है, तो पक्का है ये c के बराबर होगा, इसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव। या फिर सकर्मकता, a ग्रेटर देन b और मैं कह रहा हूं b ग्रेटर देन c, मतलब a जो है b से बड़ा है और जो b है वो c से बड़ा है, तो पक्का है जो a है वो c से बड़ा है, ये आपकी हो गई ट्रांजिटिव सकर्मकता। यहां पे देखो स्टेशनरी का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको एक दो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी, और आप ये बोल रहे हो कि ए जो है बेटर है बी से, आप ये बोल रहे हो ए है बेटर है बी से, तो कभी भी आपके लिए जब दोनों एक साथ अवेलेबल हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि बी ग्रेटर है सी ए से, ये चीज ध्यान से समझिए, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। लाइक एग्जांपल, आपने कहा कि हमको ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ में कैटरीना कैफ अच्छा लगती है, तो ऐसा नहीं होगा कि आने वाले टाइम में आप बोलो नहीं भैया अब हमको ऐश्वर्या राय अच्छी लगती, ये नहीं कह सकते हो आप। आपको ये कहना पड़ेगा कि इफ ए ग्रेटर देन बी,
तो बी ऑलवेज जो है लेसर देन ए। अब ये नहीं है कि दोनों एक साथ अवेलेबल हो तो आप बदल जाए, कंसिस्टेंसी नहीं रहे, कभी ये अच्छा लग रहा है, कभी हम पीजीटी अच्छा लग रहा है, कभी जो है हम आईएएस अच्छा लग रहा है, पीसीएस अच्छा, एक अच्छा टारगेट बना के प्लेटफॉर्म प्राप्त कर लो, उसके बाद करते रहो तैयारी जो चाहे हो। तो हमेशा जो है कंसिस्टेंसी में, अगर ए आप बोल रहे हो कि बी से बेटर है तो ए बी से बेटर होगा, अगर दोनों एक साथ अवेलेबल है तो ये नहीं बोल सकते कि बी से बेटर है। तो ये जो है आप ध्यान से समझिएगा कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें एक जो है बड़ी जो एजम्पशन है ट्रांजिटिविटी और जो है आपकी किसकी हो गई कंसिस्टेंसी की हो गई। इन मान्यताओं पे इन लोगों ने हेक्स और एलन ने डेवलप किया था इंडिफरेंस कर्व को। तो आइए आपको बताते हैं कि इंडिफरेंस कर्व अनधिमान वक्र होता क्या है। देखिए हम दो वस्तुओं के यहां पे कॉम्बिनेशन ले ले रहे हैं, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन, यहां पे हम वाई कम्युनिटी ले रहे हैं और यहां पे हम एक्स कम्युनिटी ले रहे हैं और ये हम खींच रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को शॉर्ट में हम आईसी लिखते हैं, अनधिमान वक्र इसको कहते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि यहां पे मान लीजिए कि वाई की 15 यूनिट ली गई है और यहां पे एक्स की 1 यूनिट ली गई है, 1 यूनिट एक्स की, आप इसे x1 बोलिए, फिर आप एक्स की दूसरी यूनिट ले लीजिए, इसको आप x2 बोलिए, एक्स की तीसरी यूनिट ले लीजिए, आप x3 बोलिए, एक्स की चौथी यूनिट ले लीजिए, आप इसे x4 बोलिए, और एक्स की आप पांचवी यूनिट ले लीजिए, x5 बोलिए। मतलब हम सिर्फ एक्स की एक एक इकाई बढ़ा रहे हैं, 1 1 1 1 1। तो शुरू में देखो वाई की हमने 15 इकाई ली, जब हमने x2 किया तो यहां पे हो गई वाई के 8 इकाइयां, जब हमने x3 किया तो ये हो गई 5 इकाइयां, जब हमने x4 किया तो यहां पे हो गई इसकी 3 इकाइयां, और हमने x5 किया तो इसकी हो गई एक ही। बहुत ध्यान से आपको समझना है, इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व को हम सम आइसो यूटिलिटी कर्व, सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। मतलब देखो यह है इंडिफरेंस कर्व जो नीचे गिरता हुआ है, आईसी खींचा है, इसका जो प्रत्येक पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एवरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटी व्हिच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। अनधिमान वक्र का जो प्रत्येक बिंदु देखोगे लोकस पॉइंट है, लोकस पॉइंट में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन वाई और कॉम्बिनेशन एक्स। अगर हम ए बिंदु पे हैं, अगर हम बी बिंदु पे हैं, अगर हम सी बिंदु पे हैं, डी पे हैं, ई पे, आप किसी भी पॉइंट पे आ जाओगे हर जगह आपको यूटिलिटी एक ही मिलेगी। मतलब अगर ए की यूटिलिटी यहां यू है तो बी की यूटिलिटी यू, सी से यूटिलिटी यू, डी की यूटिलिटी यू, ई की, मतलब ये यूटिलिटी चेंज नहीं, बराबर संतुष्टि प्रत्येक बिंदु पे मिलता है। आप देखो यहां 15y और 1x की संतुष्टि ए पॉइंट से मिल रहा है, यहां पे 8y और x2 की संतुष्टि बी पे, लेकिन ए और बी की संतुष्टि बराबर है। इसलिए देखो इसे इंडिफरेंस कर्व क्यों कहते हैं, अनधिमान वक्र। मतलब दो चुनावों में वो जो है समझ नहीं पा रहा है कि तटस्थ है, जिसको मन करे उसको ले लो, कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समान संतुष्टि देते हैं अनधिमान, उसका जो है इंडिफरेंस, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, किसी भी पॉइंट पे आएगा उसको समान संतुष्टि मिलेगी। तो ये रहा हम लोगों का इंडिफरेंस कर्व जो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पे उपभोक्ता समान संतुष्टि को प्राप्त करता है, इसीलिए इसे आइसो यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम यहां x और y के कॉम्बिनेशन को दे रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या था, 1x और 15y, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, 2x और 8y, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या था, 3x और 5y, फिर चौथा क्या था, 4x और 3y, और पांचवा कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, 5x और 1y। अब थोड़ा सा ध्यान से आप समझो, तुम देखोगे कि जब हम यहां पे थे हमको बराबर यूटिलिटी मिल रही थी हर बिंदु पे, हर कॉम्बिनेशन पे, जो भी कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई था पांचों पे हमको समान यूटिलिटी मिल रही थी। लेकिन जब हम एक यूनिट x का यहां बढ़ाए तो इसका मतलब x, जब 1x हम बढ़ाते हैं तो y की देखिए यहां पे कितनी यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं, 7 यूनिट सेक्रीफाइस किए, ध्यान से सुनिएगा इसको। फिर देखो जब अगला हम x का एक x यहां पे और बढ़ाते हैं तो 8 में से 5 घटा दो, मतलब पहले कितना यूनिट हमने सेक्रीफाइस किया, पहले 15 लेते थे, अब जब दूसरा हमने यूनिट x का एक यूनिट बढ़ाया तो y का हमने 7 यूनिट जो है सेक्रीफाइस किया। अब देखो x की एक और यूनिट बढ़ाई तो यहां पे 3y का हमने सेक्रीफाइस किया, आप देखिए, और फिर जब एक यूनिट x की और बढ़ाई तो 2y का सेक्रीफाइस किया, और एक यूनिट x की और y तो 1y का। कहने का मतलब क्या है, यहां आइए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो दो चीजों का कंजम्पशन कर रहा है, दो चीजों का कंजम्पशन कर रहा है, एक यहां पे उसके पास एप्पल है
एक यहां पे एप्पल है और यहां पे उसके पास है बनाना है। मान लीजिए कि यहां पे हमने बनाना का एग्जांपल ले लिया, वो पॉइंट ए पे है, वो 15 एप्पल खाता है और एक बनाना खाता है और उसको ये यूटिलिटी मिलती है। कोई कहता है भाई तुम्हारा जो संतुष्टि है वो बराबर रहेगा, तुम एक बनाना और बढ़ा लो। तो देखो जब चूंकि संतुष्टि को बराबर रखना है तो जब वो एक बनाना और बढ़ाएगा तो नो डाउट उसको इस एप्पल में से कमी करनी पड़ेगी ताकि संतुष्टि का स्तर ए और बी पे बराबर बनी रहे, क्योंकि अगर वो कम नहीं करेगा तो संतुष्टि तो बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिफरेंस कर्व यही बताता है कि हमारी संतुष्टि प्रत्येक दिन पे एक ही बनी रहनी चाहिए। तो देखो दोस्तों जब वो एक यूनिट एक्स को बढ़ा रहा है तो 7 यूनिट वो छोड़ दे रहा है क्या, एप्पल को। अब जब एक एक्स्ट्रा यूनिट और कहा जाता है कि केला ले लो 3 यूनिट, तो अब आप देखो पहले वो 7 यूनिट छोड़ा था यहां पे देखिए, अब वो सिर्फ 3 यूनिट ही यहां पे छोड़ता है किसका, एप्पल का। तब उसको मिलने वाली यूटिलिटी फिर जो है सी बी के बराबर और ए के बराबर होती है। फिर कोई कहता है एक यूनिट और आप बनाना का बना लो, तो वो देखो सिर्फ हम दो ही इकाइयां छोड़ता है यहां से, देखो 3 के बाद वो किसके, 5 के बाद वो 3 पाए, मतलब दो ही इकाई वो छोड़ रहा है एप्पल का, और अंत में 1x के बराबर वो 1 की। कहने का मतलब है कि जब हम x वस्तु को बढ़ा रहे हैं और y को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट आता है आपका वो घटता हुआ है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसी को हम कहते हैं। प्रतिस्थापन का सीमांत दर का मतलब क्या है कि जब चूंकि उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदु पे एक ही बराबर यूटिलिटी मिलती है तो जब हम x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाएंगे तो y के कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे ताकि हमारा यूटिलिटी वही बनी रहे। तो दोस्तों जब हम एक एक यूनिट x जब बढ़ाएंगे तो y की पहले ज्यादा इकाइयां वो छोड़ेगा फिर कम कम कम। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि जब हमारे पास किसी प्रोडक्ट की ज्यादा यूनिट होने लगती है, देखिए अब हमारे पास x की यूनिट बढ़ रही होती है तो x हमारे लिए कम अट्रैक्टिव हो जाता है, उससे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती है। और यहां पे चूंकि हमने एप्पल को छोड़ रहे हैं तो कोई चीज जब छूट रहा है और वो कम हो रहा है तो उसकी यूटिलिटी हमारे पास बढ़ती जाती है, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो x चूंकि हमारे पास बढ़ रहा है तो इसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये चूंकि छूट रहा है तो इसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। इसलिए जब आप x की जगह पे y को रिप्लेस कर रहे हो तो ऐसे में वो लेस अमाउंट को वाई को सेक्रीफाइस करेगा ताकि वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे बना रहे। इसका मतलब दोस्तों वो ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई, जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक्स फॉर वाई कहते हैं, वो हमेशा डिक्लाइन करेगा, गिरता हुआ होगा। क्यों गिरता हुआ होगा, क्योंकि जब हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो वाई की जो इकाइयां हैं वो पहले ज्यादा फिर कम करते जाएंगे। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडिफरेंस कर्व में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो गिरता हुआ होगा, वो गिरेगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है जो दिखाता है कि x और y में किस तरीके से एक्सचेंज होगा जिससे कि उपभोक्ता उसी संतुष्टि के स्तर पे बना रहे। तो थोड़ी सी चीजों को कंसंट्रेशन से सीखने की जरूरत है क्योंकि हम क्लास बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, ये है इंडिफरेंस कर्व। अगर हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि एक यूनिट एक्स बढ़ा रहे हैं तो कितनी यूनिट वाई को छोड़ रहे हैं, डेल्टा एक्स हमने बढ़ाया तो डेल्टा वाई छोड़ा, तो ये जो इसका स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व का, अगर यहां पे हम स्लोप एक खींच लें तो यही जो टेन थीटा है वही दिखाएगा आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई को। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई निकालना है तो क्या करोगे, चूंकि हमारे पास यहां एक्स कम्युनिटी है यहां वाई कम्युनिटी है, एक्स को चूंकि हम बढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी होगी x की, वो तो बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि y को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि y को छोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप देखोगे y की जो क्या होगी वो कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। यहां पे हम चूंकि x की डेल्टा x मैंने बताया कि बढ़ाया तो यूटिलिटी बढ़ी, तो इसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा, और चूंकि y को हम घटा रहे हैं तो इससे यूटिलिटी कम होगी। लेकिन हमको इस बिंदु पर और इस बिंदु पर बराबर यूटिलिटी मिल रही है ना, कम तो हो नहीं रहा है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, यूटिलिटी बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा x मार्जिनल यूटिलिटी x इक्वल टू माइनस y और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो यहां से समीकरण आ जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, मार्जिनल यूटिलिटी x माइनस डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसका मतलब ये हो गया कि जो
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई है, इसका ये फार्मूला हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी वाई डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, इसका मतलब यही जो है इंडिफरेंस कर्व का ढाल है। तो आप ये समझ लें यहाँ पे दोस्तों कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, और ये होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, और इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी वाई भी आप कह सकते हो। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई घटता हुआ क्यों है? क्योंकि एक्स की इकाइयां जब हम बढ़ा रहे हैं तो उससे यूटिलिटी कम हो रही है, वाई जो छोड़ रहे हैं छोड़ने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, इसलिए सेम सेटिस्फेक्शन रखने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को गिरना ही पड़ेगा और गिरता ही है। यहां तक आप चीजों को सीख लिए हैं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको फिर से गूगल मीट पे सारी चीजों को समझा दूंगा, तो डोंट वरी, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां लिख लेते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा, ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे y है और यहां पे x है, और इसके प्रत्येक बिंदु पे हमारी यूटिलिटी बराबर है। तो दोस्तों अगर ये गिरेगा नहीं नीचे से ऊपर की तरफ तो यूटिलिटी तो चेंज हो जाएगी। क्यों? यहां पे देखो वो y की 5 यूनिट ले रहा था और x की 1 यूनिट ले रहा था, लेकिन अगर मैं यहां पे आऊं और 3 यूनिट x करूं तो y की इकाइयां मुझे घटानी ही होगी, नहीं घटाऊंगा तो फिर यूटिलिटी तो बदल जाएगी। तो पक्का है अगर एक चीज को तुम बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पे उपयोगिता बराबर रखनी है दोस्त। तो प्रत्येक बिंदु पे उपयोगिता तभी बराबर रखी जाएगी जबकि आप इंडिफरेंस कर्व को नीचे गिरते हुए बनाओगे। अगर आप दूसरे तरह से बनाओगे तो फिर उपयोगिता घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहला एजम्पशन था कि गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ा तो उसकी यूटिलिटी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, वो बढ़ जाएगी। तो पहला चीज समझ लीजिए कि जो इंडिफरेंस कर्व है दोस्त वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। इससे ये भी चीजें क्लियर होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो एक्स एक्स के पैरेलल होगा। ये देखिए हमारा क्या है, एक्स एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हमने एक्स गुड को लिया है, हमने यहाँ वाई को, ना ही कहीं इंडिफरेंस कर्व वाई एक्स के पैरेलल होगा। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जीरो है, ऐसा नहीं होगा, और ना ही इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ उठता हुआ होगा। तीन चीजें आप समझ लीजिए फटाफट यहाँ पे। अगर मैं ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनाऊं कि एक्स एक्स के पैरेलल हो जाए तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ये देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, वाई की 4 यूनिट है और एक्स की 1 यूनिट है, लेकिन अगर मैं यहां पे जाऊं तो वाई की तो 4 यूनिट है यहां पे, लेकिन एक्स की कितनी यूनिट हो गई, 2 हो गई, यहां पे आऊंगा तो एक्स की 3 यूनिट हो गई। इसका मतलब जो ए और बी और सी बिंदु है तो बी की उपयोगिता ए से ज्यादा है और सी की उपयोगिता बी से ज्यादा है, क्योंकि यहां पे क्या देख रहे हैं आप, ये तो कॉमन है 4 इकाई है, लेकिन यहां की एक्स क्या गए हैं बढ़ती जा रही है। और जब हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया था तो इसका एक हमने एजम्पशन से लिया था कि जो यूटिलिटी है वो फंक्शन ऑफ किसका है, कंजम्पशन ऑफ जो बंडल है गुड्स एंड सर्विसेज के उस पर। तो यहां आप देखिएगा जो बंडल बढ़ रहा है, बी पे आप देखोगे क्या हो गया, एक्स बढ़ गया, और यहां पे देखिए 1 ही था लेकिन यहां पे 2, और यहां पे देखोगे तो और बढ़ गया। तो इसका मतलब ए से बी और बी से सी प्रत्येक बिंदु पे जो है उपयोगिता यहां पे एक बराबर नहीं है, संतुष्टि एक बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, काट लीजिए कभी भी। दूसरा, अगर ऐसे यहां पे आओ तो यहां पे हमारी x है और यहां पे y है, तो तुम यहां पे देख रहे हो कि x की तो यूनिट मान लो 2 ही है लेकिन y की 2 है, 4 है, 6 है, तो a b c, इसका मतलब a से ज्यादा b और b से ज्यादा c पे यूटिलिटी है उसकी, क्योंकि यहां पे क्या होता जा रहा है, y बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी नहीं होगा। ना इंडिफरेंस कर्व ऊपर उठता हुआ होगा, अगर ऊपर उठता हुआ होगा तो ये देखो x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, यहां 2 था, यहां 2 था, यहां 4 है, यहां 4 है, मतलब a बिंदु से ज्यादा b बिंदु पे उपयोगिता है। तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व दोस्तों ना तो पैरेलल होगा, ना ये वर्टिकल होगा, ना ऊपर उठते हुए होगा, हमेशा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नेगेटिव स्लोप वाला होगा। अब एक चीज और भी यहीं पे समझ लीजिए आप, इंडिफरेंस कर्व दोस्तों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कई बार सवाल ये पूछा गया है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए कि अब मैं क्या कर रहा हूं। मान लो कि दो इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं, ये दो इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे,
अब कह रहा है कि क्या दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर सकते हैं? ए मान लो इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, अब मान लो ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कट कर सकते हैं क्या? यहां पे हमने क्या लिया है, एक्स, यहां पे हमने लिया है वाई कम्युनिटी को, यहां पे हमने लिया है एक्स कम्युनिटी। उत्तर है कि नहीं, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, कट कर ही नहीं सकते। अब प्रश्न है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वो कट किए मान लो यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एक लाइन हम यहाँ पे खींच लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, अब पॉइंट ई हो गया हमारे पास, ए हो गया और बी हो गया, देखिए तीन बिंदु हमको मिल गए, इसको यहाँ मिला लो और इसको यहाँ मिला लो। चूंकि पहले इंडिफरेंस कर्व आई सी वन पे आ जाइए, आप आई सी वन पे, आई सी वन पे दो बिंदु है, एक ई बिंदु है और एक ए बिंदु है, दोनों ही इंडिफरेंस कर्व आई सी वन पे है, तो ई और ए बराबर यूटिलिटी वाले होंगे, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व पे सभी बिंदु एक ही बराबर उपयोगिता या संतुष्ट को दिखाते हैं। अब आप आई सी टू पे आ जाओ, इंडिफरेंस कर्व टू पे आ जाओ, इंडिफरेंस कर्व टू पे भी दो कर्व है, एक ई है और एक बी है, इसका मतलब ई बराबर क्या हो गया, बी हो गया यहां पे, क्योंकि इस पे E है और यहाँ B भी है, और इंडिफरेंस करके प्रत्येक बिंदु एक ही उपयोगिता दिखाते हैं, तो E बराबर B हो गया। तो चूंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं ना ट्रांजिविटी, तो E बराबर A और E बराबर B, इसका मतलब हो गया A बराबर B, यही तो था ट्रांजिविटी में हमने पढ़ा कि हमेशा क्या होगा, A बराबर B और B बराबर C है, तो A बराबर C, तो A बराबर B होगा, इसका मतलब A और B से जो उपयोगिता मिलेगी बराबर होगी। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? उत्तर है बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, हमेशा B की उपयोगिता A से ज्यादा होगी। क्यों? Y की यहां 4 यूनिट ले रहा है, लेकिन X की यहां कितनी ले रहा है, 3 और फिर 5, तो A पे जो उपयोगिता है ना उसमें 4 यूनिट Y और 3 यूनिट X, लेकिन B की उपयोगिता देखो 4 यूनिट Y, लेकिन ये देखो बढ़ गया 5 यूनिट, इसलिए ये उपयोगिता ज्यादा हो गई B से, इसलिए A बराबर B नहीं होगा, A बराबर B नहीं होगा, तो इसका मतलब है कभी भी दो इंडिफरेंस का एक दूसरे को नहीं काटेंगे। बड़ा आसान है यार, इसमें क्या हलवा है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ एकदम से समझ में आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये सीखना है, थोड़ा समझदार चीज बताऊं मैं, कि क्या कभी इंडिफरेंस कर्व, क्या कभी इंडिफरेंस कर्व लीनियर हो सकता है क्या? लीनियर, अब थोड़ा सा समझो, यहां पे जो वस्तुएं हैं कम्युनिटी, वो दो तरह की हो सकती हैं, दो तरह की, एक क्या हो सकती है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, मतलब पूर्ण प्रतिस्थापन, पूर्ण प्रतिस्थापन, और एक हो सकती है कंप्लीमेंट्री, परफेक्टली कंप्लीमेंट्री, मतलब पूर्णतया पूरक, पूर्णतया पूरक। ध्यान से समझिए, दो तरह की वस्तुओं की बात की है, एक पूर्णता सब्स्टिट्यूट है और दूसरा क्या है, पूर्णता पूरक है। मान लीजिए कि आपके पास जो है दो पेन है, एक सेलो का है और एक रेनॉल्ड का है, और दोनों लिखने के काम में आते हैं। ऐसे में इंडिफरेंस कर्व अगर मैं ऐसे बना दूं, इंडिफरेंस कर्व, तो यहां पे क्या है y, यहां पे क्या है x, और ये लीनियर बना दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की 1 यूनिट बढ़ाऊं, एक एक यूनिट ऐसे बढ़ाता जाऊं, एक एक यूनिट ऐसे बढ़ाता जाऊं, एक एक यूनिट ऐसे बढ़ाता जाऊं, तो जो y की इकाइयां हैं एग्जैक्ट वो बराबर ही छोड़ रहा है, कम नहीं छोड़ रहा है, मतलब यहां पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y है ना, वो गिर नहीं रहा है, वो स्थिर है। ध्यान से सुनिएगा, स्थिर है, और इंडिफरेंस कर्व ऐसे डाउनवर्ड है, लीनियर है। उत्तर ये सही है, अगर अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब यहां पे पेन है, पेन वो रेनॉल्ड का है और एक पेन यहां सेलो है, तो देखो भाई, चाहे मुझे रेनॉल्ड दे दो चाहे सेलो दे दो, मैं एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होगा, तो नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा है कि वस्तुएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट है, तो इंडिफरेंस कर्व लीनियर हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसके प्रत्येक बिंदु पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्थिर होगा, जबकि इंडिफरेंस कर्व में गिरता हुआ होता है, क्योंकि वो ज्यादा वाई को छोड़ता है, क्योंकि जब एक्स को बढ़ाता है तो वाई की मात्रा पहले ज्यादा फिर कम छोड़ता है, मतलब घटता हुआ जाता है। लेकिन यहां पे चूंकि यूटिलिटी एक्स की बढ़ती जा रही है और वाई की, तो कोई अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही चीज है, पेन ही है दोनों, तो इसमें जो है यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्थिर होगा और ये इंडिफरेंस कर्व आपका इस तरीके से डाउनवर्ड बनेगा। और अगर वस्तुएं एक दूसरे से पूर्णता पूरक है, तो दो वस्तुओं के बीच अगर पूरक है, तो इंडिफरेंस कर्व एल आकार का बन जाएगा। क्योंसे? कैसे भाई एल आकार का होगा? ध्यान से सुनिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, अगर वस्तुएं पूर्णता पूरक है, जैसे मान लो पेन है और रिफिल है, खूब ध्यान से सुनना, पेन है और दिखाई दे रहा है ना, हां पेन है और रिफिल है, मान लो हमने यहां पेन लिया है
और यहाँ रिफिल लिया है, दो वस्तुएं। और मैं कह रहा हूँ दोनों से संतुष्टि जो है हमको किसी बिंदु, एक यहाँ बिंदु पे आ जाइए, इस बिंदु पे मैं दिखा रहा हूँ, इस बिंदु पे मैं दिखा रहा हूँ कि पेन एक है हमारे पास, एक पेन है हमारे पास और एक रिफिल है। अब मैं कहूँ कि ऊपर आ जाऊँ, मतलब मेरे पास पेन तो एक ही है, रिफिल दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, तो भाई यूटिलिटी तो बराबर रहेगी ना, क्योंकि पेन रिफिल से तो क्यों लिखोगे नहीं, पेन भी डालना पड़ेगा। तो इसी तरह इसलिए देखोगे कि एल शेप का हो जाता है, अगर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है तो एल शेप का हो गया, एल शेप का ये हो जाएगा। जैसे टाइपराइटर है और टाइप करने वाला व्यक्ति है, तो एक टाइप मशीन है, एक टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर यहां ले लिए, एक टाइपराइटर, और कितना भी टाइप मशीन हो जाए क्या कर लेगा, एक ही तो है, उसको आता ही नहीं है किसी को, एक ही बेचारा पड़े रहेंगे तुम्हारे कंप्यूटर यहां पे, कुछ नहीं काम होगा क्योंकि एक ही कंप्यूटर जानने वाला। तो देखो ऐसे में जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप का बेटा हो जाता है। लेकिन एक बार देखो पीसीएस में दे रहा था तो उसमें बड़ा शानदार प्रश्न पूछा था, एल शेप ना देके पॉइंट लिखा था, तो पॉइंट भी सही है। अगर मैं सिर्फ पॉइंट इसको बोल दूं, इस पॉइंट पर भी आप देखोगे, अगर मैं बोल दूं कि पॉइंट है तो भी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी देखो दो कॉम्बिनेशन है, यहां पे जो है पॉइंट, इसलिए भी कह सकते हैं पॉइंट भी सही आंसर है, क्योंकि इसी पॉइंट पे वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जहां समान उपयोगिता मिलेगी। ये पॉइंट भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, ज्यादा सही आंसर एल देता है, लेकिन अगर कभी पॉइंट भी आए तो आप बिल्कुल सही समझिएगा, क्योंकि देखो एक टाइपराइटर है यहाँ पे और एक मान लो हमारे पास कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर की संख्या 2, 4, 6 हो गई लेकिन एक ही कंप्यूटर चलाने वाला है तो क्या है, इसी बिंदु पे जो है उसकी जो है इंडिफरेंस कर्व हो सकता है, एक बिंदु पे, इसी बिंदु पे वो कॉम्बिनेशन होगा जहां समान संतुष्टि मिलेगी, बस। तो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन ज्यादा आंसर मैंने कहा एल से फिर सही होता है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए कि क्या है सिचुएशन। अब आइए दूसरी चीज को आपको मैं बताता हूँ इसको समझने के बाद। अब आप हेडिंग डाल दीजिए बजट लाइन, बजट रेखा क्या होता है, थोड़ा सा जो है टेक्निकल है, अब आपको मैं बताऊंगा बजट लाइन के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए देवी और सज्जनों बजट लाइन, क्या हेडिंग डालना है आपको, बजट लाइन, इसको हम बोलते हैं बजट रेखा, बजट रेखा, बजट रेखा आपके लिए बनाना बहुत आसान है। मान लीजिए कि किसी कंज्यूमर के पास 100 रुपए, खुद ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके पास मान लीजिए जो बजट है, आपके पास जो मनी का कॉन्स्टेंट है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, सिर्फ आपके पास 100 रुपए हैं, और आप दो ही कम्युनिटी खरीदना है, एक्स कम्युनिटी और वाई कम्युनिटी। मान लीजिए एक्स जो कम्युनिटी है उसकी एक यूनिट की जो प्राइस है वो कितना है, 4 रुपया है, और जो वाई है उसकी एक यूनिट की प्राइस है 1 रुपया है, 1 रुपया। बहुत ध्यान से समझिए कैसे बजट लाइन खींचते हैं। तो देखो अगर तुम्हारे 100 रुपये से सिर्फ मैं एक्स ही खरीद लूं तो तुम कितना एक्स खरीद लोगे, 25 इकाई खरीद लोगे, और अगर सिर्फ हम वाई ही खरीद लें तो चूंकि वो 1 रुपये का एक यूनिट है तो 100 यूनिट खरीद लोगे, या फिर तुम 100 रुपये से इन दोनों का कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, बस। तो इंडिफरेंस कर्व खींचने का जो तरीका होता है वो क्या, सॉरी बजट लाइन खींचने का जो तरीका होता है क्या होता है, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं यहां पे, वाई कम्युनिटी, यहां पे ले लेते हैं एक्स। अब वाई की यूनिट अगर मैं सिर्फ खरीदूं तो 100 यूनिट खरीद सकता हूं, तो यहां ले लो 100 यूनिट वाई, और अगर सिर्फ एक्स की खरीदूं तो कितना होगा, 25 यूनिट, तो यहां ले लो 25 यूनिट एक्स, और इन दोनों को ऐसे आप मिला दो तो ये आपका आ जाएगा बजट रेखा। क्यों, अगर मैं पूरे 100 रुपये को खर्च कर दूं y के ऊपर तो मेरी 100 यूनिट y आ रही है, और सिर्फ x पे खरीदूं तो कितनी यूनिट आ रही है, 25 यूनिट आ रही है। तो ये जो बन गया लाइन यही है बजट लाइन। बजट लाइन दिखाता है कि आप इस बजट के प्रत्येक लाइन के प्रत्येक बिंदु पे आप अपने सारे पैसे को खर्च कर दोगे x और y पे। और आपका जो मनी है पूर्णतः एग्जॉस्ट हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। लेकिन आप इस बजट लाइन के बाहर चले जाओ, मान लो के पॉइंट पे, तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, आप यहां जा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास इतनी बजट ही नहीं है। इसके नीचे तुम आओगे तो तुम खरीद तो सकते हो बंडल को, लेकिन यहां पे जब खरीदोगे तो तुम्हारे पास पैसे बच जाएंगे बजट, तो यहां भी नहीं आना है, आपको इसी लाइन पे रहना है। अब देखो क्या है, चाहे तुम y की 100 यूनिट खरीद लो या x की 25, या फिर किसी कॉम्बिनेशन को ले सकते हो, लाइक एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, मान लो कि हमने 80 यूनिट खरीद लिया इसका, 80 यूनिट यहां पे देखो 80 यूनिट, तो कितने रुपए खर्च हो गए, 80 रुपए खर्च हो गए क्योंकि 1 रुपए का, तो बचा कितना हमारे पास, अब बचा कितना हमारे पास, 20 रुपया, तो 20 रुपए में कितनी यूनिट आएगी, 5 यूनिट, तो यहां देखो आओ 5 आएगा तुम्हारा, 5 यूनिट। अब देखो तो इसका मतलब चाहे अगर आप इस बिंदु पे आए तब भी आपका सारा पैसा खर्च हो गया, आपने 80 यूनिट वाई का खरीद लिया और 5 यूनिट आपने एक्स का खरीद लिया। इसी तरह से अगर मान लो कि हम 20 यूनिट खरीद लें, किसका सिर्फ 20 यूनिट मान लो खरीद रहे हैं, इसका 20 यूनिट खरीद रहे हैं वाई का, तो तुम्हारे पास कितने बच गए पैसे,
20 यूनिट तुमने खरीदा, 80 बच गए, तो 80 बच गए तो 80 में तुमको लेना है, ये 4 यूनिट का है तो कितना यूनिट लोगे, तो 4 से इसमें डिवाइड कर दो तो तुम 20 यूनिट ले लोगे, तो यहां पे आ जाएगा आपका 20। तो ये भी सही है, यहां पे चाहे ए बिंदु पे आ जाओ, चाहे बी बिंदु पे आ जाओ, चाहे कोई अगर 60 यहां पे ले लो तो यहां पे कितना करोगे, 10 यूनिट कर लोगे तुम, बस किसी भी बिंदु पे आ जाओ, सी बिंदु पे आ जाओ। ये बजट लाइन दिखाता है कि बजट लाइन के प्रत्येक बिंदु पर जो उपभोक्ता है उसका सारा बजट, सारा पैसा खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि उसके ऊपर अगर आप जाओगे, अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो आप इसको खरीद ही नहीं पाओगे, ये आपके बजट के बियॉन्ड है। इसके नीचे आओगे तो फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये मान्यता है कि सारे पैसे को कंज्यूमर खर्च कर देगा, बचाएगा कुछ भी नहीं, इसलिए ये बजट लाइन ऐसे खींचा जाएगा। और इसका जो ढाल होगा वो पी एक्स बाई पी वाई के बराबर हो जाएगा, जो एक्स और वाई के मूल्यों को दिखाता है। तो आप लिख लीजिएगा, ये दिखाएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स बटा पी वाई, मतलब एक्स और वाई के मूल्यों के अनुपात को ये दिखाता है। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बजट लाइन का क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बजट लाइन जो है हमारा, खूब अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा नहीं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं लोग पूछ पाएंगे, बस क्लास को ठीक से सुनना है आपको, कंसंट्रेशन से जो मैं बताऊं लिखते जाइएगा। और आपको लगेगा ना कि हमने इकोनॉमिक्स को कितने अच्छे से समझा है। तो बस अब आपको बताना है कि ये बजट लाइन बदलता कैसे है, तो हेडिंग डालिए शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन जो है ये बदलेगा कैसे, क्योंकि अगर इसकी शिफ्टिंग आप नहीं सीखोगे ना तो फिर आपको समझिए कुछ आप नहीं सीखे। तो अब आपको सीखना है शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन शिफ्ट कैसे होगा, क्या सीखना है, बजट लाइन की शिफ्टिंग सीखना है आपको। तो हेडिंग डाल लें आप लोग देवी और सज्जनों की शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, शिफ्टिंग, तो बजट लाइन किसका शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इन बीएल, बजट लाइन में परिवर्तन। अब बजट लाइन में दो तरह से परिवर्तन हो सकता है, या तो वस्तुओं की कीमतें चेंज हो जाए, वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आ जाए, कीमत पी में, या तो ये बढ़ जाए या फिर ये घट जाए, या फिर उपभोक्ता के इनकम में, उसके आय में चेंज हो जाए, इनकम या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। देखिए, देयर आर टू फैक्टर व्हिच इफेक्ट द बजट लाइन, नंबर वन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई दैट वी कंज्यूम, आर चेंज इन कंज्यूमर इनकम, अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो भी ये चेंज होगा। सबसे हम सीखते हैं कि हाउ कैन बजट लाइन चेंज बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स दैट दे कंज्यूम, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उपभोक्ता, अगर उन वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आ गया तो कैसे ये चेंज होगा। ये देखो तुम्हारा, मान लो कि बजट लाइन ये हमारा है, ये पीएल बजट लाइन, खूब ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। पीएल है, यहाँ पे हमारा एक्स कम्युनिटी है, वहाँ पे वाई कम्युनिटी, ये हमने बजट लाइन खींचा हुआ है, और बजट लाइन के प्रत्येक बिंदु पे सारा पैसा हमारा खर्च हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अब सोचो कि एक्स जो कम्युनिटी है, जो 4 रुपये में मिल रही थी, अगर वो सस्ती हो जाए 2 रुपये में मिलने लगे तो तुम एक्स ज्यादा खरीद सकते हो। तो दोस्तों जब कम्युनिटी सस्ती हो जाएगी तो ये बजट लाइन ऐसे दाहिने की तरफ शिफ्ट होगा, बहुत ध्यान से सुनो, मतलब ये कैसे शिफ्ट हो गया, यहां से यहां की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर ये कम्युनिटी क्या हो गई, सस्ती हो गई, तो एक्स के सस्ते होने पे ये जो बजट लाइन जो पीएल था वो पीएल वन हो गया, और ये क्या हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, दाहिने की तरफ, राइट वर्ड, दाहिने की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर यही एल 4 रुपया से 8 रुपया हो जाएगा तो ये बजट लाइन ऐसे शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड। देखिए, अब एक्स वस्तु क्या हो जा रही है, ये L2 हो जाएगा, अब ये महंगी हो गई, एक्स यहां पे महंगी हो गई, तो ये शिफ्ट क्या हो गया, लेफ्ट के तरीके से शिफ्ट हो गया। पहले किधर शिफ्ट हुआ था, राइट के तरीके से शिफ्ट हुआ था। इसका मतलब अगर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होगा तो बजट लाइन बदल जाएगी, या तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होगी या फिर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। अब जो प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में वो है कि अगर किसी वस्तु के कीमत में कमी आ गई, तो कमी आ गई तो बजट लाइन चेंज हो गई, तो पूछता है कि क्या उसका ढाल बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब देखो सवाल, पहले हम कोई कीमत नहीं था तो एल पॉइंट पे थे, यहां पे थे, और इसका स्लोप था ये। अब जो है हम कीमतें जब कमी हुई एक्स की, तो अब हम आ गए एल वन पे, तो अब ये ढाल बदला कि नहीं, उत्तर है बिल्कुल बदला। जब आप यहां से यहां की तरफ शिफ्ट किए तो अब प्रश्न है कि जो स्लोप है बजट लाइन का वो घट गया कि बढ़ गया, उत्तर है घट गया। देखो यहां पे tan थीटा आप निकाल लो, यहां पे tan थीटा निकाल लो, तो क्या हो गया, tan थीटा जो निकालोगे तो यह ढाल कम हो गया। देखो बहुत ज्यादा टेक्निकली मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, बहुत आसान से समझा दूंगा। ढाल क्या है भाई, ये तीन रेखाएं खींची गई हैं, ये वाली रेखा PL2 PL, अब सब ज्यादा ढाल कौन है, कम ढाल क्या है, आप जानते हैं, आप कहते हैं ना कि ढाल ज्यादा है, पानी तेजी से बह रहा है,
हैं, आपका रहे ढाल बहुत है, हम चढ़ ही नहीं पा रहे। तो देखो बेटा, आप जितना स्टीप होते जाओगे तिरछा, उसकी ढाल बढ़ती जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा इसकी ढाल है। देखो क्यों, क्योंकि इस पे चढ़ना मुश्किल है, पानी बड़ी तेजी से गिरेगा, इसकी ढाल उससे कम, इसकी ढाल। तो इसका मतलब जब कीमतें घटती हैं तो जो बजट लाइन है ना उसका ढाल कम हो जाता है, कम हो जाता है। लिख लो, 200 बार पूछा है, ढाल कम हो जाएगा, 200 बार पूछा, लिख लो कि जब वस्तुएं सस्ती है तो बजट लगा दाहिने की तरफ शिफ्ट होगा, उसकी ढाल कम हो जाएगी। और दूसरे, जब एक्स ये महंगी हो जाए तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, उसकी ढाल बढ़ जाएगी। मतलब जब वस्तु महंगी होगी तो ढाल भी ज्यादा होगा, ढाल ज्यादा होगा, किसका ढाल, बजट लाइन का ढाल ज्यादा होगा। क्यों, यहां से आएगी और देखो ढाल बढ़ गया, क्योंकि ये देखो ज्यादा तिरछा, इस पे चढ़ ही नहीं पाओगे तुम, ढाल ज्यादा है। और सस्ती हो जाएगी तो क्या होगा, और भी ढाल कम हो जाएगा, और सस्ती हो जाएगी तो और भी क्या हो जाएगा, आपका ढाल कम होता जाएगा। तो वस्तुएं जितनी, लिख लीजिएगा एक लाइन कि जब वस्तुएं सस्ती होती है बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, उसका ढाल कम होता है। जब वस्तुएं महंगी होती है तो ढाल जो है बढ़ता जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। कितना आसान है यार है कि नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं। तो ये जो बजट रेखा है ना, वो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है जब वस्तुओं की कीमतें बदल जाती है। तो कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं इसमें, आगे चलते हैं। अब हम दिखाते हैं कि अगर इनकम चेंज हो जाए तो ये बजट लाइन कैसे शिफ्ट हो जाएगी। तो बड़ा आसान है भाई, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग शिफ्ट कराते हैं इनकम, और इनकम के शिफ्ट कराने पर देखते हैं कि बजट लाइन किस तरीके से शिफ्ट हो जाती है। तो शिफ्ट इन बजट लाइन बाई इनकम चेंज, अभी तक हमने वस्तुओं की कीमतों को चेंज करा के बजट रेखा में शिफ्टिंग को दिखाया था। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये क्या हमारा बजट लाइन इनकम चेंज हो गया। मान लो ये हमारा बजट लाइन है, ये हमारा क्या है, बजट लाइन है, ये है बजट लाइन, ये देखो। अब मान लो किसी कंज्यूमर, ये है पीएल, किसी कंज्यूमर की इनकम ही बढ़ गई। अब ये कैसे चेंज होगा, जब वस्तु की कीमतें घट रही थी, बढ़ रही थी, तो ऐसे चेंज हो रहा था, ओके ना। वस्तु की कीमतें जो घटी इधर गया, महंगी हुई इधर, लेकिन अगर इनकम चेंज होगी तो ये सीधे देखो बेटा ऐसे चेंज होगा। अब ये हो जाएगा P1L1। जब आपकी आय बढ़ गई, आय बढ़ गई, किसकी आय बढ़ गई, उपभोक्ता की आय बढ़ गई, उपभोक्ता की आय बढ़ गई, आय बढ़ गई, मतलब इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस देन द बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड। एंड द सेकेंड, कि अगर उसकी इनकम घट गई तो ये लेफ्टवर्ड, देखो बजट लाइन नीचे, क्योंकि अब वो कम वस्तुओं को खरीद पाएगा। देखो कॉम्बिनेशन तो ये दिखाता है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा P2L2। तो बहुत आसान है, अगर आपकी इनकम बदल जाती है तो फिर देखो यही चीज पूछा जाता है, जो बजट रेखा है इसका ढाल नहीं बदलेगा, ढाल नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, जब आपकी आय बदलेगी तो ढाल नहीं बदलेगा, सिर्फ जो है ये लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। एक तरफ से दाहिने की ओर शिफ्ट होगा जब आपकी आय बढ़ जाएगी, जब आपकी आय बढ़ी तो ये दाहिने की तरफ शिफ्ट हुआ, और आय घटी तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड बाएं की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब जो बजट लाइन है वो दो तरीके से चेंज हो सकता है, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से चेंज हो सकता है, और दूसरा जो है चेंज हो सकता है ये आपके इनकम से। तो इनकम बढ़ी तो ये दाहिने की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि इनकम बढ़ने से हम कॉम्बिनेशन ज्यादा ले लेंगे ना। यहां पे देखो इस पॉइंट पे आ गए हम, इस पॉइंट पे थे तो कॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया, अगर नीचे आओगे तो कॉम्बिनेशन कम हो गया। तो आय अगर आपकी घटती है तो तुम आते हो लेफ्ट की तरफ, और आय बढ़ती है तो तुम जाते हो राइट की तरफ, बस। तो दो तरीके से, और एक चीज हम जरूर नोट करना कि आय बढ़ने पे ढाल नहीं बदलेगा, वहां देखिए कीमतों में ढाल बदल रही थी, यहां पर ढाल नहीं बदलेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब तक आपको मैंने ये बता दिया इंडिफरेंस कर्व क्या है, वीक आर्डरिंग क्या है, स्ट्रांग आर्डरिंग क्या है, इसका एजम्पशन क्या है, इंडिफरेंस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है नीचे गिरता हुआ होता है, प्लस जो है ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, फिर उसकी विशेषताएं क्या होती है, कब जो है इंडिफरेंस कर्व जो है एक लीनियर लाइन में होगा, कब एक पॉइंट हो सकता है या एल शेप का हो सकता है, और बजट रेखा क्या होती है, बजट रेखा में बदलाव किस तरह से होता है। इतना आप जानने के बाद आप बहुत आसानी से मैं बता दूंगा कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कैसे जो है हिक्स और एलन किसी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को दिखाते थे, कि उपभोक्ता के संतुष्टि को कैसे दिखाने में वो सफल होते थे। तो आइए दोस्तों अब हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको चेक करने के लिए आपको दो चीजें बस चाहिए, क्या चाहिए आपके पास, दो चीजें चाहिए। एक चीज चाहिए बजट लाइन, और दूसरा चाहिए इंडिफरेंस कर्व का मैप। देखिए ये कई इंडिफरेंस कर्व बनाए गए हैं, ये देखिए कई इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से सुनिए,
IC1, IC2, IC3, IC4, चार इन डिफरेंस का, और ये है PL हमारा बजट रेखा, ये है यहाँ पे X वस्तु, यहाँ पे Y। अब पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो इन डिफरेंस कर्व क्या दिखाता है, दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखाता है जहाँ उपभोक्ता हर जगह पे एक समान यूटिलिटी को पाता है। तो देखिए, और ऊपर वाला अधिमान वक्र ज्यादा यूटिलिटी को दिखाएगा क्योंकि वहां पे वस्तुओं का कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा, और बेसिक हमने एजम्पशन से लिया है कि कॉम्बिनेशन पे ही उसका जो यूटिलिटी निर्भर करता है। तो इसका मतलब जो हायर है IC1 से ज्यादा IC2, IC2 से ज्यादा IC3 और IC4 पे उसकी उपयोगिता बढ़ रही है, और ये है बजट लाइन PL। अब देखो बेटा, जो सबसे बेहतर सिचुएशन है कंज्यूमर के लिए पॉइंट E है। क्यों? इस E पॉइंट पे वो सबसे बड़े इंडिफरेंस कर्व पे है, इस इंडिफरेंस कर्व उसके लिए सबसे बेटर है IC4, लेकिन उसके पास बजट ही नहीं है क्योंकि देखो बजट तो यहीं तक है ना, तो ये चाहते हुए भी वो कॉम्बिनेशन ले नहीं पाएगा। अगर आप इस पॉइंट पे आ जाए IC2 पे, तो IC2 पे आप देखिएगा उसका पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है, यहां भी पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व उसका जो टच कर रहा है, अगर वो यहां पे आए तो ये भी उसका इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि उससे बेटर सिचुएशन देखो उसके पास यहां पे है क्योंकि वो ज्यादा उपयोगिता वाले पे जा रहा है। यहां पे देखिए बेहतर उसका सिचुएशन नहीं है क्योंकि इससे बेटर यूटिलिटी उसको IC3 पे मिल रही है। IC3 IC2 से बेटर, देखिए IC1 से बेटर IC2, IC2 से बेटर IC3, IC3 से बेटर IC4। तो सबसे बेहतर है कि पॉइंट ई पे आ जाए, मतलब उपभोक्ता तब इक्विलिब्रियम में होगा कि जब इंडिफरेंस कर्व और जो आपका बजट लाइन है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, मतलब टेंजेंट हो, मतलब इंडिफरेंस कर पे जब बजट लाइन टेंजेंट हो, स्पर्श करे, इसी पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि संतुलन में आप लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मैंने कहा कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बटा मार्जिनल यूटिलिटी वाई, बराबर स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या मैंने कहा कि पी एक्स बटा पी वाई। तो ये देखिए ये होगा, यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व में उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, जब इंडिफरेंस कर्व जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है जो बजट लाइन को टच कर रहा है वहीं पे वो संतुलन में होगा। और यहां इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो बजट लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर पी एक्स बटा पी वाई के बराबर होगा, और यहीं पे जो है ये क्या होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी होगा। तो यहां पे ये कंडीशंस है, ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन के लिए, तो यही इक्वेशन आपको दिया जाएगा। तो लिख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, यहीं पे उपभोक्ता जो है संतुलन में होगा। और दूसरा चीज ये है कि जहां संतुलन में होगा वो इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, ये जो है कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव नहीं। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उसकी एक सेकंड जो है उसकी वो होती है, कंडीशन होती है, लेकिन ये जो है उपभोक्ता के संतुलन को आपको दिखा दिया गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द्वारा। तो पहला पार्ट जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का है दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से बजट रेखा और बजट रेखा और इंडिफरेंस कर्व के इंटरसेक्शन के द्वारा जहां टेंजेंट है वहीं पे कंज्यूमर का जो है इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको इनकम इफेक्ट के बारे में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, साथ ही मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्लस्की का और हिक्स का जो है मेथड है जिससे हम प्राइस इफेक्ट को, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कई बार देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छा करिए। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, पृथ्वी पे सिर्फ वही हैं जो आपको आशीर्वाद मन से देते हैं, उनका आशीर्वाद कभी जाया नहीं जाता है। रोज उनका आदर करिए, रोज 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 आशीर्वाद लेते रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। आइए कुछ अच्छा करते हैं, आइए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का, गॉड ब्लेस यू।